हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी यानी ओट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ओट्स खाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये भी बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए 2 कप ओट्स लेंगे और इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, आप डेली रूटीन में इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने ओट्स डोसा और ओट्स दलिया का वीडियो डाला हुआ है। देखिए, इस तरह से दरदरा पीस लें। मैंने 2 कप ओट्स लिए हैं तो इसके लिए हम लेंगे 1/4 कप बेसन। ओट्स चिल्ले को और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। सभी सब्जियों को बारीक कट कर लेंगे। जैसे टमाटर है, 1 टमाटर लिया है मैंने, बहुत बारीक कटिंग करनी है इसकी भी। बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे और बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, इच्छा अनुसार वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 प्याज कटा हुआ डाला है, हरी धनिया डाली है और 1 बारीक कटा हुआ ककड़ी यानी खीरा डाला है। थोड़े से फ्रोजन मटर डाले हैं। नमक डालकर इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओट्स और सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। पहले से पानी न डालें क्योंकि सब्जियों में भी पानी रहता है, इसीलिए पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अगर हम पहले से ही पानी डालेंगे तो इससे हमारा घोल ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा। थोड़ा पानी डालें और मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी डालें। इससे हमारे घोल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट तैयार होगी। फ्रेंड्स, ओट्स को हिंदी में जई कहा जाता है। जई को हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी खाया हुआ है, बस अब इसका नाम ओट्स इंग्लिश में जाना जा रहा है। पहले से जई के नाम से जाना जाता था। ओट्स में प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स रहता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। 10 मिनट ढककर रखने से हमारा ओट्स अच्छी तरह से फूल गया है और घोल जरा गाढ़ा है, तो अब इसमें थोड़ा हम पानी मिलाकर इसे थोड़ा लिक्विडी कर देंगे। ओट्स में बीटा ग्लूकोन होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। ओट्स में विटामिन सी, ए, ई, डी और B2 रहता है जो हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। गैस ऑन करेंगे, तवा गरम करेंगे और उस पर थोड़ा घी लगाएंगे और उसके ऊपर हम चम्मच से ओट्स का घोल डालते जाएंगे। छोटे छोटे हम चिले बना रहे हैं तो इसीलिए 3 से 4 आप डाल सकते हैं और उसे हल्के हाथों से फैला लें। ओट्स में कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और प्रोटीन, आयरन रहता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। ओट्स को अच्छी तरह से शेप देने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें। 4 से 5 मिनट बाद ढक्कन को खोल लें और इन पर थोड़ा घी लगाकर इन्हें पलट लें। इसे आप बिना घी का भी बना सकते हैं, ये आसानी से पलट जाते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, घी या बटर जरूर लगाएं। दोस्तों, ओट्स ग्लूटन फ्री है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं रहती। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। लो फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छी तरह से पकने पर इन्हें उतार लें। देखिए, ओट्स चिल्ले कितने कलरफुल लग रहे हैं और साथ ही हेल्दी भी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से बाकी के ओट्स चिल्ले भी बना लें। पहले तवे पर घी डालें, उसके बाद ओट्स चिल्ले के बैटर को डालें और उन्हें धीरे धीरे फैलाएं और उन्हें ढक कर पकने दें।
और फिर ढक्कन खोलकर उसे पलट लें और फिर दोनों तरफ से हल्का सा घी लगाकर सेक लें। फ्रेंड्स, जब भी आप ओट्स चिल्ला बनाएं तो इसमें बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालें। बच्चे ज़्यादातर काफ़ी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, अगर आप इसमें डालकर बनाएंगे तो ये खुशी खुशी खा लेंगे। देखिए, बहुत सारी सब्ज़ियाँ डालने से यह बहुत ही सॉफ्ट बना है और हेल्दी भी है, तो इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। आपका ओट्स चिल्ला कैसा बना एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह हरी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप टोमेटो सॉस या फिर मेयोनीज या फिर अचार के साथ खा सकते हैं। इसे आप डेली के ब्रेकफास्ट मेनू में ज़रूर शामिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।